हेलो गाइस, मैं हूं कमलेश नेगी। वेलकम बैक इन अपर हिमालय। मैं हूं अभी वान विलेज में और आपको ले चलने वाला हूं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉक, बैदनी अली बुग्याल, जो एशिया का सबसे बड़ा मीडोज है, बुग्याल है। और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं यहां पे। इस बुग्याल का अपना इतिहास है और खूबसूरती है, कुछ रहस्य हैं, तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। और वान विलेज में है अभी, जो बेस कैंप है अली और बैदनी बुग्याल का, तो यहीं से शुरू करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस ट्रैक को और बने रहे हमारे साथ। तो चलो ले चलते हैं आपको अली बैदनी बुग्याल। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रणगधार, और जो लगभग वान से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पर ये लास्ट शॉप है और आगे चीज़ें महंगी होंगी, तो अगर आपको भी कुछ सामान रखना है पहले तो नीचे से रख लें। अगर कुछ भी बिस्किट वगैरह, चिप्स कुछ भी लेना है तो यहाँ से ले लें, यहाँ से आगे दुकान नहीं मिलेगी। तो ये देखें, अभी कोहरा लगा हुआ है तो थोड़ा सा व्यूज़ नहीं मिल पा रहा। तो हम पहुँच चुके हैं गैरुली पादल, जो है कि वान से 7 किलोमीटर है और काफ़ी टफ चढ़ाई है। नीचे गदेरे से लेकर रनकारधार से नीचे ढलान है, उसके बाद बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, लगभग 4 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर। और आप लोग भी अगर बैदनी और अली बुग्याल ट्रैक पे हैं तो यहीं पे कैंप करें, क्योंकि आगे फॉरेस्ट के द्वारा अलाउड नहीं है। यहाँ पे हट भी बने हुए हैं ये वाले, देख रहे ये। तो हम पहुँच चुके हैं लगभग ढोलियाधार से आगे रूप बैदनी बुग्याल। बैदनी बुग्याल थोड़ा सा ये है, यहाँ से ढोलियाधार तक खड़ी चढ़ाई है और वहाँ से थोड़ा ये है अब आगे तक है। तो हम लगभग पहुँच चुके हैं और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, थोड़ा सा चढ़ाई है और आज स्टे यहीं पे होगा। दोस्त लोग आगे निकल चुके हैं कैंप के लिए, देख सकते हैं पीछे का थोड़ा धुंध लगी हुई है और नीचे फूल बुग्याल घास, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ तो दिखाते रहेंगे कैसे रहता है क्या रहता है। अब पहुंच चुके हैं हम बैदनी बुग्याल, ये हट बने हुए हैं नीचे पे और अभी तक बहुत धुंध छाई हुई थी यहाँ पे। थोड़ा सा अभी मौसम खुल चुका है, आई विश कि कल मौसम क्लियर रहे। देखे तो ये है बैदनी कुंड, और बैदनी कुंड की कुछ खासियत है, सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी क्लियर पानी रहता है, आज थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी हुआ है इसमें। एक और सामने कोहरा लगा है तो त्रिशूल और नंदा घूंट का रिफ्लेक्शन दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। कभी अगर मौसम क्लियर रहे तो आप देखना, इसमें बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन दिखता है। और एक ख़ास बात यह है इस तालाब की कि जब नंदा देवी रात जात होती है उससे पहले तक पानी कम रहता है, और जैसे ही नंदा देवी रात जात होती है, जात होने के एक दिन पहले तक बारिश लगती है और ये पानी से लबालब भर जाता है। तो इस कुंड की ये खासियत है और काफ़ी खूबसूरत, देखें। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एशिया के सबसे लार्जेस्ट बुग्याल बैदनी अली बुग्याल से मैं हूँ अभी बैदनी अली में। सुबह का मौसम हुआ है और अभी धूप नहीं निकली है और मैं कैंप साइड से काफ़ी ऊपर निकला हूँ अभी व्यूज़ कैप्चर करने के लिए। बताता हूँ यहाँ क्या क्या व्यूज़ है, देख सकते हैं आप पीछे अली बुग्याल है और मैं हूँ अभी बैदनी के टॉप पे, और ये सबसे बड़ा बुग्याल है एशिया का। तो दिखाता हूँ क्या क्या है, कैसे मौसम है आज का और क्या क्या खासियत इस बुग्याल की है। तो यहाँ की बात ही कुछ अलग है, आस्था उसमें जुड़ी हो तो उस बात की वो कुछ अलग, और काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं ये नंदा घूंटी है और त्रिशूल, इधर मृग थुनी दिखती है और बीचों बीच आपको नंदा देवी भी दिख जाएगा।
अभी दिखाएंगे, मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करूँगा। और काफ़ी ख़ास बुग्याल है, देख सकते हैं ये। और ये एक रास्ता निकल रहा है यहाँ से, ये वाला, ये जाता है आपको अली बुग्याल के लिए। अली बुग्याल भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ से काफ़ी छोटा दिख रहा है, ये देखें। सो गाइस, मैं काफ़ी ऊपर चढ़ चुका हूँ क्योंकि आज काफ़ी हज़ारों लोग आए हुए हैं बैदनी में। नीचे आप कैंप देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगा यार बैदनी से सही व्यूज़ नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा ऊपर चल रहा हूँ चोटी पे। बहुत सारे चल रहे थे साथ में, सारे पीछे छूट गए, और मैंने ठानी है तो चढ़ के रहूँगा। दिखाता हूँ कहाँ चढ़ना है, और वहाँ से व्यूज़ एकदम क्लियर रहेगा 360। तो दिखाता हूँ, ये देखें, मुझे इस चोटी पे चढ़ना है। और यहाँ से दिखेगा और अच्छा व्यूज, तो चलो ले चलते हैं। तो ये है अली बुग्याल, अभी थोड़ा फॉग से कवर हुआ है, और यहाँ से काफ़ी व्यूज़ मिलता है, लेकिन अभी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो सूरज की किरणों का है वो थोड़ा अपोजिट हो गया है, तो उससे नहीं मिल पा रहा है। ये नंदा घूंटी है, 6,800 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और ये माउंट त्रिशूल, 7,120 मीटर इसकी हाइट है। और यहाँ से मेरे को थुनी भी दिखती है, अभी थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा है, ये धूप की, जहाँ से धूप निकल रहा है। और इसके बीच से नंदा देवी भी दिखता है, तो यहाँ से व्यूज काफ़ी अच्छे हैं, देख सकते हैं आप। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट घरों में से एक है। तो ये है अली बुग्याल, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्री लाइंस है वो कुछ है, फिक्स है बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। और क्योंकि जो ट्री लाइंस है वो एक लिमिट तक अपने जो वेदर है उसको झेल पाते हैं, उसके बाद नहीं झेल पाते। पूरा देख सकते हैं आप, कहीं भी इधर चले जाओ या यहाँ कहीं भी चले जाओ, ट्री लाइंस फिक्स होते हैं। तो ये एशिया का काफ़ी सुंदर बुग्याल है, ये एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा है, ट्रैकिंग करने के लिए अच्छा है। देखो व्यूज काफ़ी अच्छा है। अभी थोड़ा सा मौसम खुला तो था सुबह से, लेकिन उतना खुला नहीं है। बैदनी कुंड के अलावा यहाँ पे छोटे छोटे पाउंड हैं, जैसे देख सकते हैं एक यहाँ पे है और दो सामने पे हैं। बहुत सारे पाउंड दूसरे साइड भी थे, और ये छोटे छोटे पाउंड हैं जो बुग्याल के बीच में बने हुए हैं। और एक पाउंड यहाँ पे भी था, दिख नहीं रहा अभी थोड़ा सा। इस ट्रैक के बजट की बात करें तो 12 से लेकर 15,000 इस ट्रैक का बजट होता है, जो ऋषिकेश टू ऋषिकेश होता है। और काफ़ी टाइम से ये ट्रैक बंद है, तो आप लोकल गाइड से कांटेक्ट कर सकते हैं जो डायरेक्ट इस ट्रैक को कराते हैं रूपकुंड तक।